तीसरे दिन बहराइच मार्केट में मिला जुला असर देखने को मिला। दुकानें तो खुली हुई थीं, लेकिन लोगों के मन में शंका अभी भी बनी हुई थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। मोहल्ले में पुलिस का मार्च चालू है और कई जगह पुलिस पिकेट लगा दी गई है। CAA और संभावित NRC के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने के आरोप में 38 गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना कोतवाली सदर और थाना दरगाह में दर्ज 6 FIR में 100 नामजद व करीब 2100 अज्ञात के विरुद्ध संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शहर में शुक्रवार को CAA के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर थाना सदर कोतवाली में 3 और थाना दरगाह शरीफ में 3 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कोतवाली सदर में 44 नामजद और 700 अज्ञात के विरुद्ध 143, 147, 148, 149, 332, 353, 323, 504, 506, 307, 3/4 लोक संपत्ति को नुकसान और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। यहां अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह थाना दरगाह शरीफ में दर्ज 3 FIR में 23 नामजद और 1300 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज FIR में 22 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि परसों की घटना में करीब 10 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, सबका मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। SP ने बताया कि घटना में दोषी पाए गए किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, साजिश करने वालों पर NSA तामील की जाएगी। फिलहाल शहर में शांति है, बाजार खुल गए हैं, पुलिस PSC व केंद्रीय बल बाजारों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देखिए, परसों शाम से ही सभी अधिकारियों द्वारा नगर क्षेत्र में विशेष रूप से भ्रमण किया जा रहा है। परसों शाम से ही जो स्थिति है सामान्य की बनी हुई है। कल पूरा दिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल शांति व्याप्त रही, ड्यूटियाँ यथावत लगी रही। आज सुबह से भी हमारे द्वारा भ्रमण किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे बाजार की दुकानें सब खुली हुई हैं, पूरी चहल पहल है, लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, ड्यूटियाँ बनी हुई हैं, सतर्क दृष्टि बनाए रखी हुई है और आने वाले दिनों में भी शांति जो है वो व्याप्त रहेगी। और हमारे द्वारा सभी को सुरक्षा का जो एक वादा किया गया था उसके लिए पुलिस और प्रशासन दृढ़ संकल्प है। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि थाना कोतवाली नगर और दरगाह में कुल मिलाकर के 6 मुकदमे लिखे गए हैं, उनमें से 100 के आसपास लोग जो नामजद किए गए हैं और काफ़ी संख्या में जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो और कोई भी दोषी जिसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है या उकसाने या लोगों को बरगलाने में जिसका रोल रहा है वो बचे ना, इसके लिए हम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमने CO City साहब को इसके लिए नोडल बनाया है। जिस भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होगा। हमारे द्वारा वीडियो फुटेज और फोटोज़ जितनी भी हमारे पास आई हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की उस समय की कार्रवाई भड़काने वाली, बरगलाने वाली और लोगों को उकसाने वाली या अराजकता फैलाने वाली होगी, प्रॉपर एविडेंस के साथ ही उसकी अरेस्टिंग की जाएगी। और मैं सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो निष्पक्ष होगी, वो बिल्कुल पारदर्शी होगी। और अगर यदि किसी को ये लगता है कि कार्रवाई गलत हो रही है तत्काल हमारे अधिकारियों से संपर्क करें, हम प्रॉपर आपको एविडेंस इकट्ठा करके ही इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके द्वारा ये घटना की गई है, जिनके द्वारा माहौल ख़राब करने का कोशिश की गई है, उनको इस बारे में बख्शा नहीं जाएगा।